के अंदर आग लगी है और मेरे साथ हैं फायर ब्रिगेड कर्मी, क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, कितनी आग लगी और कैसे लगी है जरा बताओ। इस बात का तो सर पता नहीं कैसे लगी, आग लगी हुई मिली हमारे को, सूचना मिली, हम मौका पहुंचे, गड़ी बीड़ी होने के कारण हमारी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई, पीछे ही खड़ी है, पीछे खड़ी है, तो हमने यहाँ पड़ोसियों की टंकी से पानी की मदद लेके ना आग को बुझाएगा। कौन सा मकान नजर आ रहा है? ये अंदर वाला मकान है जी। किसके अंदर है? अंदर है मकान है जी। अच्छा, तो अंदर तो पाइप चला गया क्या आपका? हाँ चला गया जी, ये टंकी वाला हमारा पाइप नहीं गया जी। तो अब आग पे काबू पा गया? बिल्कुल, आग कंट्रोल होगी जी। कंट्रोल होगी? हाँ जी। आग का कारण का कोई पता लगा? कारण का कोई पता नहीं सर, कैसे लगी कैसे नहीं। आप तो एक नजर में पहचान लेते हैं, फायर ब्रिगेड कर्मी? नहीं सर, ये मकान बंद था। अच्छा। हाँ ये मकान बिल्कुल बंद था, इनसे पड़ोसियों से पूछने के बाद पता तो लगा, पर कैसे लगी कैसे नहीं। ये बंद आवास के अंदर? हाँ बंद आवास। किसी ने कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा रही है, अंदर मकान है, किसका बंद आवास है क्या? जी बंद आवास है, वैसे तो गाड़ी बड़ी है और गलियां हैं भीड़ी, तो इसलिए गाड़ी अंदर नहीं आ पाई किसी कारण से, तो फायर कर्मियों ने और मोहल्ले वालों ने मिल के बाल्टी से पानी डाल डाल के आग बुझाई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, वे जल तो काफी कुछ गया अभी, लेकिन पड़ोसियों के उससे सहयोग से और मालिक भी आगे थे, ये खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब, ये आवास बंद है क्या? हाँ आवास बंद था जी। ये कहाँ गए हुए थे आप? ये बंद रहता ही बंद है जी, हम यहाँ रहते नहीं है जी, हमारा पुश्तैनी मकान है, ये पुराना मकान है, बंद पड़ा है। इसमें तो सामान भी नहीं होगा? सामान तो है जी, सामान है, सामान अभी पड़ा है। तो क्या 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 जल के राख हो गया? दरवाजा जल गया जी, वो जोर सामान करियां पड़ी थी वो जल गया, जोर सामान जल गया, बस है 1.5 लाख। एक बार दिखाओ आवास है, ये अंदर तंग गली के अंदर ये आवास है और यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन ये देखिएगा कि आवास का ये गिराया हुआ है या ये आग से गिरा है? ये गिरा, ये देखिए आग कितनी भयंकर लगी है कि ये सारी की सारी छत नीचे गिर गई है। ये खुद आवास मालिक देवेंद्र खट्टर जी बता रहे हैं हमें कि भी आग का कारण क्या हो सकता है सर, बताइएगा। बंद थे जी, पड़ोसियों पर फोन गया, हमारे पास आग लग गई, लगता से तंगा हुआ, गर्मी ज्यादा थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं मुझे तो जी। अंदर एक पेटी रखी है, उसमें क्या सामान है? उसमें हम अभी अंदर गए नहीं अभी जी। अच्छा, और कीमती सामान है क्या इसमें? कुछ लिमिटेड कीमती है जी, लिमिटेड। तो लगता है कितना नुकसान हो गया? 1.5-2 लाख का नुकसान है जी। 1.5-2 लाख का? आग का कारण भी बता पाएंगे? नहीं पता चला, इस बात कर देते अभी, हमारे तो आग बुझाई है जी। ये 10 दिन के अंदर ये दूसरी आग लगी है एक आवास के अंदर, हमने पहले भी दिखाया था कि कृष्णा कॉलोनी के अंदर रात को आग लग गई थी और ये दिन के समय आग लगी है। आग का कारण ये आवास मालिक बता नहीं पा रहे हैं और फायर ब्रिगेड यहाँ आ नहीं पा रही है, और इन्होंने मोहल्ले वालों ने और MC जो है हमारे अजय सैनी ने सभी ने मिलकर इस आग पर काबू पाया, लेकिन छत गिर गई है और दरवाजे जल गए हैं। देखिए कितनी भयंकर आग लगी, दिन दिहाड़े आग लगी है और लाखों रुपए का नुकसान हो गया है भाई साहब। बड़े दुख की बात है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ, आवाज़ बनाने में बड़ा समय लगता है। देखते रहिए हंसी की आवाज़, मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के